शहीद सुखदेव थापड़ के जन्मदिन मौके लुधियाना के नौकरा स्थित उन्होंने जन्म स्थान से शहीद सुखदेव थापड़ मेमोरियल ट्रस्ट वालों एक हवन यज्ञ करवाया गया। इस तो बाद फ्रंटलाइन वर्करा सैनिटाइजर साबण और मास्क वंडे गए और घंटाघर चौंक विखे विशेष तौर पर मास्क का एक पैकेट दिता गया। ये हर साल असी जन्मदिन से शहीद सुखदेव थापड़ जी के जन्मदिन से और श्रद्धांजलि समारोह के हवन यज्ञ कराईदा। कई सौ साल ही हो गए जदों की उन्हों की फांसी की सज़ा हुई है। उस तो बाद साढ़े पहलो बुजुर्ग फादर और दादा जी कराया करते सी, परिवार के कई मैंबर से थापर बरादरी चार पाँच मैंबर फैमलियाँ हैं वो करवादिया रही 1965 के रजिस्टर कराया सी। उस तो बाद 40 साल हो गए मैनू इस हवन यज्ञ कराते हुए। हर दिन हर जन्मदिन से असी हवन यज्ञ कराईदा और शहर के जिन्हें भी धार्मिक राजनीतिक पार्टियां इतने आ के नमन कर दी हैं और अज महामारी दे इस भयानक बीमारी नूं लेंदे हुए असी बड़े सादे तरीके दे नाल इन्हां दा अज जन्मदिन मनाया, क्योंकि 10 बंदियां तो ज़्यादा आपां इत्थे बह नहीं सकते। इस करके कुछ जिहड़े साडे राजनीतिक हैगे आ साडे नाल आए आ इत्थे नमन करन लई जन्मदिन दे विच इन्हां नूं पूर्ण होती पाउण लई। सुनील मेहरा जी अजे होर कई हैगे नेता जिहड़े साडे नाल इत्थे मोढे नाल मोढा ला के हर साल इत्थे हवन यज्ञ कराईदा। और मैं इस महामारी तो डर के कहना जिहड़ा घर दे विच हवन यज्ञ होएगा किसी भी पंजाब ते हिंदुस्तान दे विच ये महामारी का इलाज सब तो वड्डा है हवन यज्ञ, क्योंकि देवी देवता है साढ़े 3300 करोड़ देवी देवते है जिन्हां नूं ये हवन यज्ञ करा के इहदी पूर्ण आहुति करके ये महामारी का बहुत वड्डा इलाज है। और मैं समझदा कि इस यज्ञ दे नाल काफ़ी कुछ राहत मिलेगी पंजाब नूं और लुधियाना वासियां नूं और महामारी तो ये बचाव रखन लॉकडाउन होने के कारण शनी और ऐतवार का लॉकडाउन फुल लॉकडाउन है। इस करके असी बड़े सादे तरीके इन्हों का जन्मदिन मनाया और असी हर साल मनाते भी रहेंगे। पुलिस मुलाजम जिहड़े है कि चौंकों पर खड़े है हर थाने दे और बड़ी सेवा करते, उन्होंने लिए असी सैनिटाइज और डिटोल और मास्क की वरतों की है। 500-700 जिहड़ा असी मास्क बनाया जिहड़ा सैनिटाइज और उन्होंने असी देवांगे ताकि वो इन्नी दिनता देश की सेवा कर रहे हैं पब्लिक की सेवा कर रहे हैं उन्होंने असी वालों प्रसाद के तौर पर शहीद सुखदेव जापर जी के जन्म के प्रसाद के तौर पर असी उन्होंने एक एक लिफाफा देवे जेडे कि मुलाजम सारे साढ़े लुधियाने तैनात है। हर थाने के बाहर या हर थाने हर चौंक के जिन्हें भी मुलाजम लगे है उन्होंने असी सैनिटाइज और तीन चीज़ा जड़ियाँ लिफाफे पा के देंगे ताकि वो अपना भी ध्यान रखन, क्योंकि पंजाब और लुधियाने की जनता की सेवा कर रहे हैं पुलिस मुलाजम उन्होंने भी असी ये स्पैशल उन्होंने प्रसाद शहीद सुखदेव थापर दे जन्मदिन से असी उन्होंने विसरित करांगे। जय हिंद जय भारत। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज लुधियाना नौकरा शहीद सुखदेव थापर की जन्मभूमि कर्म भूमि पुण्य भूमि के उत्ते इकट्ठा करके सबनों और हवन यज्ञ करा के थापर परिवार ने यह बहुत वड्डा एक फर्ज किया अदा किया वै, क्योंकि असी शहीदों याद रखांगे ते साडी ये देश जिहड़ा आज़ाद होया उन्होंने बदौलत होया असी उन्होंने। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब सरकार को बेनती करना चाहना अज उन्होंने जन्मदिन से कल मलेरकोटले कैप्टन साहब ने ईद के मौके के उत्ते एक बहुत वड्डा हस्पताल मलेरकोटले दिता है और बई को घोषणावां कीतियां। कैप्टन साहब एक घोषणा तुसी नौकरे च भी कीती सीगी कि इत्थों दा दरवाजा चोले बाजार दे विच कढ़िया जाएगा ताकि आम जनता शहीद सुखदेव जी आके नमन कर सके, क्योंकि बाकी रस्ते तंग ने आना मुश्किल है। असी इस जगह भी दिती हुई है पर सरकार ने ढिलमुल नीतियां करके पिछले 10-15-20-30 साल तो यदा दरवाजा नहीं खुल रहा, तुरंत खुलना चाहिए। और मेरी एक होर मंग है जे एक हस्पताल मलेरकोटले की जनता ईद तो मिल सकता है तो अज एक हस्पताल सुखदेव थापर के नाम उत्ते लुधियाना की जनता PGI वर्गा AMS वर्गा अज हस्पतालों की बहुत कमी है, कोरोना च बैड नहीं डॉक्टर नहीं हस्पताल नहीं, एक हस्पताल सुखदेव थापर के नाम उत्ते सरकार तुरंत जिस तरह मलेरकोटले दिता है इस तरह लुधियाना भी सिखदी सुखदेव थापर के नाम उत्ते हॉस्पिटल मिलना चाहिए रस्ता खुलना चाहिए। मैं उम्मीद करना कि साढ़े सुखदेव थापर के प्रेमियों शहीदों के प्रेमियों शहीदों नमन का एक बहुत वड्डा सरकार का फर्ज होएगा, ये फर्ज पूरा होएगा। मैं उम्मीद कर रहा समान अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह और लुधियाना के MPs MLA भी थापर बरादरी मिलेंगे और ये मांग उन्होंने अगे भी रखा। लुधियाना तो सुरिंदर सोनी रिपोर्ट।